दुनिया में बहुत से पॉप स्टार हुए हैं, लेकिन किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ही हैं जिन्होंने अपनी गायकी और डांस से पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी है। वो एक ऐसे स्टार थे जिन्हें आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग जानते हैं। 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में उन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। महज 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। उनके निधन की खबर से सभी सकते में आ गए थे। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त को अमेरिका के इंडियाना प्रांत के एक शहर गैरी में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले माइकल 1964 में अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्हें दुनिया भर में पहचान उस वक्त मिली जब उन्होंने साल 1982 में अपनी एल्बम थ्रिलर निकाली। इस एल्बम के बाद से ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोग उनके स्टाइल और गानों के दीवाने हो गए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन का निधन तो 50 साल की उम्र में हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं वो 150 साल तक जीना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 12 डॉक्टर्स की टीम रखी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। ये टीम नियमित तौर पर उनकी जाँच करती थी। इतना ही नहीं, वो ऑक्सीजन बेड पर सोया करते थे और किसी से मिलने से पहले मास्क व दस्ताने लगाना नहीं भूलते थे। उन्होंने योग करने के लिए अपने साथ 15 लोगों की टीम भी रखी हुई थी। ये भी कहा जाता है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से ही माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। माइकल ने खुद को अच्छा दिखने के लिए अपनी कई सर्जरी भी कराई थी। कहीं ना कहीं उन सर्जरी को भी उनकी मौत की वजह माना जाता है। माइकल जैक्सन दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले कलाकार हैं। उनके नाम 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वही माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1994 में लिसा मेरी प्रिस्ले से शादी की थी, लेकिन दोनों का 19 महीने के बाद ही तलाक हो गया। साल 1997 में उन्होंने नर्स डेबी रो से दूसरी शादी की। इससे उन्हें 2 बच्चे प्रिंस माइकल और पेरिस माइकल कैथरीन हुए, लेकिन माइकल की ये शादी भी 1999 में टूट गई। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।